हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार मिश्र हिंदी विषय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बी भाग एक में हिंदी विषय के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक नाटक है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और द्वितीय अंक का क्या महत्व है, द्वितीय अंक में कौन सी घटनाएं होती हैं, द्वितीय अंक के मार्मिक प्रसंग क्या है, इन पर भी हम आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। अब आप ध्यान देंगे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के द्वितीय अंक के घटनाक्रम कैसे होते हैं। उसके पहले चर्चा करते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में क्या हुआ था। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी के ऊपर निरंतर गुप्त सम्राट रामगुप्त, जो कि उसका पति भी है, जिसने उससे छल और बल से विवाह किया था, वह अनाचार करता है, वह उसको महत्व नहीं देता। उससे यानी कि रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी को किसी भी प्रकार का अपनत्व तो नहीं मिल पाता। इन परिस्थितियों के बीच जहां रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी से घृणा करता ही है, वहीं चंद्रगुप्त यानी अपने छोटे भाई के प्रति भी वह सशंकित भाव रखता है और बराबर इन दोनों पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करता है। ऐसी परिस्थितियों में एक आक्रमण होता है शकराज के द्वारा, और शकराज आक्रमण के साथ ही संधि का प्रस्ताव भेजता है और कहता है कि या तो रामगुप्त की सेना युद्ध के लिए तत्पर हो जाए, अथवा रामगुप्त मेरी संधि स्वीकार करके अपनी पत्नी यानी कि ध्रुव स्वामिनी और अन्य सामंत कुमारों की पत्नियों को हमारे पास भेज दे। इन्हीं परिस्थितियों के बीच रामगुप्त बहुत ही कायरतापूर्वक इस बात के लिए तैयार हो जाता है। वह युद्ध के लिए तत्पर होने के बजाय ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेज देता है शकराज के पास। उसके साथ चंद्रगुप्त भी शकराज के शिविर में जाने को तत्पर हो जाते हैं। और द्वितीय अंक के आरंभ में हम देखते हैं कि शकराज के शिविर में विभिन्न परिस्थितियों के बीच वो पहुंचते हैं। चंद्रगुप्त ने छद्म वेश धारण किया है ध्रुव स्वामिनी का, यानी कि ध्रुव स्वामिनी जो असली वाली है वो तो पहुंची ही है शकराज के समक्ष, साथ ही साथ वेश धारण करके छद्म वेश बनाकर ध्रुव स्वामिनी का स्वांग रचकर चंद्रगुप्त भी वहां पहुंचे। दो दो ध्रुव स्वामिनियां शकराज के पास पहुंचती हैं। इस अंक में हम देखेंगे, इस अंक में क्या होता है, अंक के प्रारंभ में, द्वितीय अंक के प्रारंभ में ही हम कोमा को देखते हैं। कोमा कौन? कोमा शकराज की प्रेमिका है, एक आदर्श प्रेमिका के सभी गुण कोमा में है। कोमा का प्रेम बहुत निश्चल है और वह यह कतई नहीं चाहती कि शकराज किसी भी प्रकार से कुमार पर जाए, जबकि शकराज युद्ध के लिए तत्पर है। लेकिन वह डरा हुआ है, वह जानता है कि वह गुप्त सम्राट की सेना से युद्ध करने की स्थिति में कमजोर पड़ेगा, उसकी पराजय निश्चित है। लेकिन उसके बावजूद उसने दुस्साहस किया। उसके पीछे कारण क्या है? वह ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करना चाहता है, उसने एक बड़ा खेल खेला है। ऐसी स्थिति में शकराज, हम दूसरी विशेषता देख रहे हैं द्वितीय अंक की, शकराज अन्य मनस्क है, वह अनमना है, उसका मन लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति आ गई, संधि की शर्त रामगुप्त ने स्वीकार नहीं की, तब युद्ध करना होगा, और यदि संधि की शर्त स्वीकार भी कर लिया तो ध्रुव स्वामिनी का आगमन कैसे होगा, क्या ध्रुव स्वामिनी आकर भी शकराज को स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। इन सभी परिस्थितियों के बीच बहुत उलझन में है शकराज। शकराज की इस मनोस्थिति को कोमा अच्छी तरह से जानती है, उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख है, क्योंकि कोई भी प्रेमिका यह सहर्ष स्वीकार नहीं करेगी कि उसका होने वाला पति या प्रेमी किसी अन्य स्त्री में निरत हो, किसी अन्य स्त्री से संपर्क में आए। ऐसी परिस्थितियों में कोमा
भावनात्मक सहयोग देने के लिए जिनकी कोमा प्रतिपालिता पुत्री है अर्थात कोमा के पिता तुल्य जो है मिहिरदेव, उनका आगमन होता है। मिहिरदेव शकराज के गुरु की तरह भी हैं। शकराज को कोमा और मिहिरदेव मिलकर बहुत समझाते हैं, उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, उसे बार बार यह बताते हैं कि यह अन्याय है, यह गलत है, ऐसा मत करो, ध्रुव स्वामिनी को क्यों बुला रहे हो, क्यों उपहार के तौर पर मांग रहे हो, उसकी क्या गलती है। इन सभी चीजों को ठुकरा देता है, इन सभी बातों को नकार देता है और कहता है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो राजनीति है, और राजनीति यही कहती है कि जैसे भी साम दाम दंड भेद, जैसे भी हम शत्रु को पराजित कर पाए, उसके गौरव को नष्ट कर पाए, वो करना चाहिए। उसी समय आकाश में एक धूमकेतु दिखाई देता है। मिहिरदेव कहते हैं कि यह अमंगल का प्रतीक है। शकराज को समझाने की अंतिम चेष्टा करने के साथ ही जब वह नहीं मानता तो कोमा और मिहिरदेव प्रस्थान कर जाते। इसके पश्चात हम देखते हैं कि नाटक में, नाटक के द्वितीय अंग में ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त जो ध्रुवस्वामिनी के वेश में ही है, इन दो ध्रुवस्वामिनियों का शकराज के समक्ष आगमन होता है। अब क्या होगा, कैसे पहचानेगा, बिल्कुल यही समस्या शकराज के सामने आई। वह पहचान नहीं सका, वह दुविधा में आ गया। ऐसी ही परिस्थितियों का लाभ उठाकर अचानक चंद्रगुप्त अपने वेश को हटाते हैं और द्वंद्व युद्ध में शकराज मारा जाता है। शकराज के मारे जाने के साथ ही शिविर में ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त की जय जयकार होती है और वहीं इस अंक का समापन भी हो जाता है। इस अंक की सबसे महत्वपूर्ण घटना है शकराज का अंत। दूसरी, इस अंक में एक प्रमुख पात्र और उभर कर आती है शकराज के अलावा, वह है कोमा। कोमा और शकराज दोनों के चरित्र को हम इस अंक में ध्यान से देखते हैं। उनके चरित्र का विस्तार से वर्णन हम करेंगे। शकराज जहां एक तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति पाले हुए है, वहीं दूसरी तरफ वह कोमा के प्रति वफादार भी नहीं है। वह राजनीतिक छल प्रपंच में लगा हुआ है। लेकिन क्या शकराज सदा से ऐसा था? जी नहीं, हम देखेंगे कि शकराज सदा से ऐसा नहीं था। कोमा निश्चल है, सरल है, सहज है, आदर्श प्रेमिका है। वह अपने प्रेमी शकराज के प्रति अत्यंत कर्तव्य परायण भी है। इसका उल्लेख हम तृतीय अंग में करेंगे। प्रमुख संवाद जो इस अंक में है, उनमें से पहला कोमा के द्वारा ही कहा गया है। कोमा शकराज को समझाते हुए कहती है कि प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मनुष्य ऐसी परिस्थितियां निर्मित करता है। वह स्वयं मकड़ी के जाले की तरह उलझ जाने के लिए ऐसी परिस्थितियां निर्मित करता है। वह अपने जीवन पर संकट स्वयं मोल लेता है। यह उसे तब समझाती है कोमा जब शकराज जानबूझकर गुप्त शासक से बुरा बर्ताव कर रहा है, उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, उसकी पत्नी को उपहार में मांग रहा है। कोमा को नहीं पता है कि रामगुप्त कैसा है। इस परिस्थिति में वह उसे भरसक कोशिश करती है कि समझा के अनिष्ट से बचाए। दूसरा, मिहिरदेव का एक कथन है। मिहिरदेव जिनके बारे में हमने बताया कि वह शकराज के गुरु के तरह थे और कोमा के पिता के तरह थे, उन्होंने ही पाला था कोमा को। वह कहते हैं कि राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। ऐसा ना हो कि राजनीति के पीछे तुम नीति से भी हाथ धो बैठो। ये शकराज से वो कहते हैं जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। हम अगर नीति का पालन नहीं करेंगे, अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, अगर हम कुछ सामाजिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर यह संसार कैसे चलेगा। यहां गांव में हम देख रहे हैं, लिखा है, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी। कलुष से भरी इस मूर्ति से मेरा परिचय है। इससे पता चलता है कि एक समय में, यहां देखिए लिखा है, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी। इससे पता चलता है कि एक समय ऐसा भी रहा होगा जब शकराज का व्यक्तित्व तो बहुत विराट रहा होगा, वह बहुत उदार रहा होगा, वह बहुत निश्चल रहा होगा कोमा के प्रति।
वह अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहा होगा, तभी तो वह महत्वमय पुरुष के रूप में था कोमा के जीवन में। लेकिन आज उसने अपने आदर्शों को खो दिया है, अपने व्यक्तित्व की महानता को, उदारता को खो दिया है। ऐसी परिस्थिति में कोमा उसको कहती है कि जिस शकराज को मैंने चुना वह एक अलग व्यक्ति था, वह बहुत नेक व्यक्ति था। आज का शकराज वैसा नहीं है जैसा मैंने उसे चुना था। नाटक में कोमा की सलाह को न मानकर शकराज अपने पतन की ओर बढ़ता है और उसके अंत के साथ ही नाटक के द्वितीय अंक का भी समापन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।